हम खड़े हैं बागपत जनपद की बड़ौत सब्जी मंडी में। वह सब्जी मंडी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक सब्जी मंडी है। ये वो सब्जी मंडी है जहां से करीब 150 गांव जुड़े हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले एक महीने से ये सब्जी मंडी बिल्कुल बंद पड़ी है। बंद होने के कारण मंडी वीरान हो चुकी है। वीरान के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं भूत बंगले में आ गए हैं। के लोग सब्जी खरीदने आते थे और यहीं से ही वो अपने सब्जियों को लेकर घर जाते थे, लेकिन कोरोना काल ने ऐसा इस महामारी के चलते ऐसा भयानक रूप अवतार किया है कि सब्जी मंडी बिल्कुल बंद हो गई है। मंदी के कारण यहाँ के सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं, वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। लॉकडाउन के कारण ये मंडी बंद कर दी गई एक महीने से करीबन हो गया। और जो यहाँ के व्यापारी हैं वे पहले लॉकडाउन में भिखारी हो रहे थे, ये दोबारा और मारा होगी। और यहाँ के जो इस इलाके के कम से कम 150 गांव इस मंडी से जुड़े हुए हैं, जब परचून की दुकान खुली हुई है और सब्जी भी आवश्यक वस्तु में आ गए, जिले की सारी मंडी मार्केट खुली हुई है सब्जी की, लेकिन यहाँ की क्या बड़ों की खुली है बंद है बस। हाँ, ऐसा क्यों है बस पता नहीं। हम लोगों ने मांग भी करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लोग जो लॉकडाउन की पालन है उसको करते हुए सब्जी मंडी में 11 बजे सुबह 7 या 8 से 11 लोग खोलने की अनुमति दी जाए, शासन का जो आदेश है उसका पालन कराते हुए। इसी के चलते देखना है कि कब तक लॉकडाउन रहता है, कब तक इन व्यापारियों को घर पर बैठकर जो है इंतज़ार करना है कि लॉकडाउन खुलेगा, फिर से सब्जी मंडी गुलजार होगी, फिर से वही रौनक वापस लौटेगी। अमित शर्मा, जनवाणी, बड़ौत, बागपत।